मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना जिले के चित्रकूट स्थित रामनाथ आश्रमशाला में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने आश्रमशाला के बच्चों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आरोग्य धाम चित्रकूट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या के समान चित्रकूट में भी सरकार लगातार विकास के कार्य करेगी। प्रदेश सरकार ने सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रामराज्य के सपने को साकार करने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें और बताया कि वे भी बाजार जाकर स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए दीप और अन्य उत्पाद खरीदेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बाणसागर परियोजना की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों से कार्य की जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर के पीजी कॉलेज में भारत सरकार की एडिप योजना के तहत दिव्यांग बंधुओं को सहायक उपकरण वितरित किए। मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकार और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता हमें एक सशक्त और समावेशी समाज की ओर ले जाती है। मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा नरेला विधानसभा क्षेत्र में सामूहिक स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया।